लुटेरियां वल्लों लगातार लुट खोह दीआं वारदातां नूं अंजाम दिता जा रहा। हुण ताज़ा मामला सामने आया जदों इक नकाबपोश लुटेरा घर दे विच दाखल हुंदा है ते इक महिला नूं तेज़ धार हथियार दिखा के उसके कन्नां विचों सोने दीआं वालियां खोह के फरार हो जांदा है। इह सारी वारदात सीसीटीवी विच कैद हो गई है, जिसदे विच वेख्या जा सकदा है कि पहलां इह लुटेरा घर दे दरवाजे नूं खड़काउंदा है ते इक महिला गेट खोलदी है ते जिवें ही महिला गेट नूं खोलदी है इह लुटेरा उस नूं पूरी तरह नाल फड़ लैंदा है। हालांकि महिला अपने आप नूं छुड़ाउण दी वी कोशिश करदी है पर इह लुटेरा तेज़ धार हथियारां दे दम ते उसदे कन्नां विचों सोने दीआं वालियां खोह के फरार हो जांदा है। इह घटना मोगा दे निहाल सिंह वाला दे पिंड भागी तो सामने आई है। जानकारी लई दसना बनदा है कि करमजीत कौर नाम की महिला घर दे विच इकली रहिंदी है, जिसका फायदा इस लुटेरे वालों चुकिया जांदा है अते इह लुटेरा कोई होर नहीं बल्कि उसदे ही गुआंढ विच रहण वाले उसदे रिश्तेदार दा मुंडा है, जिसने इस वारदात नूं अंजाम दिता है। फिलहाल पुलिस ने लुटेरे नूं हुण गिरफ्तार कर लिया है। सर, निहाल सिंह वाला दे पिंड भागी गए लुट खोह दा मामला सामने आया, की मामला की अवतार हो गई? कल करीब दोपहरे एक पिंड भागी के तो एक लेडी करमजीत कौर वालों एक कंप्लेंट आई सी, जिसे दस्या कि वह कोई शख्स ने उन्हों का दरवाज़ा खड़कटाया तो जो उसने दरवाज़ा खोलिया तो वह उस बंदे ने अपना मूँह लपेटा हुआ ढकया हुआ पूरी तरह कवर किया हुआ तो जबरदस्ती अंदर बढ़ के जिदे उन्होंने दरवाज़ा लेडी ने खोलिया तो अंदर बढ़ के उसके हाथ के दातर फड़िया उस लेडीज़ को अपने वह गल फड़ लिया तो अपने कब्जे में कर लिया और उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए वो कन्ना दी वालियां पट के उतों फरार हो गया। जिस संबंध मामला दर्ज कर लिया एसओ साहब ने तुरंत हरकत करते हुए इस दोषी इस मुकदमे दोषी गिरफ्तार कर लिया तो वो को बरामदगी कर ली, जो वो रिश्ते उन्हों का गुआढ़ी तो वह भतीजा ही लगता है जो कंप्लेट अड्डा है बंदा पड़े गए बिल्कुल ये गिरफ्तार कर लिया है तो गिरफ्तार करके तो बरामदगी भी कर ली है। लुटेरियां वल्लों लगातार लुट खोह दीआं वारदातां नूं अंजाम दिता जा रहा। हुण ताज़ा मामला सामने आया जदों इक नकाबपोश लुटेरा घर दे विच दाखल हुंदा है ते इक महिला नूं तेज़ धार हथियार दिखा के उसदे कन्नां विचों सोने दीआं वालियां खोह के फरार हो जांदा है। इह सारी वारदात सीसीटीवी विच कैद हो गई है, जिसदे विच वेख्या जा सकदा है कि पहलां इह लुटेरा घर दे दरवाजे नूं खड़काउंदा है ते इक महिला गेट खोलदी है ते जिवें ही महिला गेट नूं खोलदी है इह लुटेरा उस नूं पूरी तरह नाल फड़ लैंदा है। हालांकि महिला अपने आप नूं छुड़ाउण दी वी कोशिश करदी है पर इह लुटेरा तेज़ धार हथियारां दे दम ते उसदे कन्नां विचों सोने दीआं वालियां खोह के फरार हो जांदा है। इह घटना मोगा दे निहाल सिंह वाला दे पिंड भागी तो सामने आई है। जानकारी लई दसना बनदा है कि करमजीत कौर नाम की महिला घर दे विच इकली रहिंदी है, जिसका फायदा इस लुटेरे वल्लों चुकिया जांदा है अते इह लुटेरा कोई होर नहीं बल्कि उसदे ही गुआंढ विच रहण वाले उसदे रिश्तेदार दा मुंडा है, जिसने इस वारदात नूं अंजाम दिता है। फिलहाल पुलिस ने लुटेरे नूं हुण गिरफ्तार कर लिया है। सर, निहाल सिंह वाला दे पिंड भागी गए लुट खोह दा मामला सामने आया, की मामला की अवतार हो गई? कल करीब दोपहरे एक पिंड भागी गए तो एक लेडी करमजीत कौर वालों एक कंप्लेंट आई सी, जिसे दस्या कि वह कोई शख्स ने उन्हों का दरवाज़ा खड़कटाया तो जो उसने दरवाज़ा खोलिया तो वह उस बंदे ने अपना मूँह लपेटा हुआ ढकया हुआ पूरी तरह कवर किया हुआ तो जबरदस्ती अंदर बढ़ के जिदे उन्होंने दरवाज़ा लेडीज़ ने खोलिया तो अंदर बढ़ के उसके हाथ के दातर फड़िया उसके लेडीज़ को अपने वह गल फड़ लिया तो अपने कब्जे में कर लिया और उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए वो कन्ना दी वालियां पट के उतों फरार हो गया। जिस संबंधी मामला दर्ज कर लिया एसओ साहब ने तुरंत हरकत करते हुए इस दोषी इस मुकदमे दोषी को गिरफ्तार कर लिया तो वो को बरामदगी कर ली, जो वो रिश्ते उन्हों का गुआढ़ी तो वह भतीजा ही लगता है जो कंप्लेट अड्डा है बंदा पड़े गए बिल्कुल ये गिरफ्तार कर लिया है तो गिरफ्तार करके तो बरामदगी भी कर ली है।